ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह ब्रजभूषण खान होता, अब तक हो चुकी होती कार्रवाई। ये सरकार की एक नालायक पंक्ति है जो सरकार एक महीना बिठा रही है यहाँ पर पहलवानों को। इनके ही नेता और इनके ही विधायक और इनके ही सांसदों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। और ताना शाह का राज स्थापित करना, इस तरफ सरकार जा रही है। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। न्यूज वॉच इंडिया की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है और जंतर मंतर पर लगातार एक महीने से चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को पूरी लाइव कवरेज के साथ आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पहलवानों का प्रदर्शन आज एक महीना पूरा होने के बाद भी जारी है। पहलवानों का प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार जारी है, उस बीच तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पहलवान झूठ बोल रहे हैं या फिर ब्रजभूषण चरण सिंह झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पर पहलवान जो मौजूद है उनका ये मानना है कि जब अगर लड़की के साथ कुछ भी यौन शोषण होता है तो उसकी FIR तुरंत लिख दी जाती है, लेकिन इस मामले में कुछ अलग देखने को मिला। इसके बाद इनका एक और सवाल है, अगर हमने नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं तो अभी तक देरी किस चीज की हो रही है? जब ब्रजभूषण चरण सिंह भी तैयार है तो देरी किस चीज की हो रही है? कब होगा, ये कैसे होगा, क्यों होगा, इस चीज को लेकर तमाम सवाल जो है वो अब यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और इस पे सरकार देर कर रही है या कानूनन कार्रवाई जिसे कहेंगे वो कब होगी, इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। उनको उनके पद से हटा दिया गया है, ये सरकारी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन कानूनन कार्रवाई को लेकर पहलवान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो। उन्होंने जो काम किया उसको लेकर उनकी जो सजा है वो सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी से होगी, और जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, जब तक ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कानूनन कार्रवाई को लेकर, तब तक पहलवानों का मानना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे वो एक साल चले, चाहे कितने भी समय चले, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को करना चाहते हैं, बिना हिंसा के इस प्रदर्शन को लगातार जारी रखना चाहते हैं। तो हमने जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी है, ये वही तस्वीरें हैं जो इतनी सड़ी धूप में भी 45 डिग्री से जो ऊपर तापमान पहुंच चुका है उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हरियाणा से लेकर पंजाब तक के सभी लोग इनके समर्थन में आ चुके हैं। विपक्षी दल भी यहाँ पर लगातार कोई ना कोई दिग्गज नेता आता है और पहलवानों को समर्थन देने की बात कहता है, लेकिन पता नहीं कब इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्या कानूनन कार्रवाई कब तक होगी, ये अपने आप में सवाल बन चुका है। तो हमने जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, अब और लोगों से बातचीत करके आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो आज हमारे साथ पहलवानों के समर्थन में जो हरिंदर ताऊ लगातार तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी के साथ समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो उसी बीच हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद है। आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। तो इसी के साथ जिस तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक कोई सरकारी कार्रवाई नहीं की गई है, उनको पद से हटा दिया गया है, लेकिन कोई कानूनन कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो सरकार है, कार्रवाई उनको करनी है, लेकिन इस देश में ऐसा होता है कि गरीब आदमी के लिए कानून कुछ और है और अमीरों के और नेताओं के लिए और है। तो इस देश में संविधान तो बचा नहीं, तो संविधान की हत्या करना, लोकतंत्र खत्म करना और तानाशाह का राज स्थापित करना, इस तरफ सरकार जा रही है। नार्को टेस्ट पे जिस तरीके से बात सामने आई है, पहलवान तो तैयार है, ब्रजभूषण चरण सिंह का भी बयान आया कि वो भी तैयार है। देखिए, वो भी तैयार, ये भी तैयार, तो कराओगा कौन? अमेरिका का आके डोनाल्ड ट्रंप कराना सरकार को, कराती क्यों ना? और ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसका लाइव डिटेक्टिव, लाइव वो जो नार्को टेस्ट होना, वो पूरे देश में लाइव चलना चाहिए, देश की जनता को पता चलना चाहिए कि ब्रजभूषण से क्या सवाल हुए, क्या उसने जवाब दिए, मेरे पहलवानों से क्या सवाल हुए और मेरे पहलवानों ने क्या जवाब दिए। लाइव चलाओ, देश देखेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग पहलवान लगातार कर रहे हैं, जब तक ब्रजभूषण चरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते, क्या पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे एक महीना लग जाए, चाहे एक साल? देखिए, इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं देश के पहलवान, वो जो कहेंगे देश की जनता उसे फॉलो करेगी, हम भी उसे ही फॉलो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सरकार उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना कर दे, इसलिए सारे देश की जनता उनके साथ है। फैसला लेना, निर्णय लेना, ये पहलवानों का काम है। पहलवान जिस दिन ये कहेंगे कि हम संतुष्ट हो चुके हैं, उस दिन सब घर को चले जाएंगे। नार्को टेस्ट के लिए ब्रजभूषण चरण सिंह तैयार हैं,
लेकिन आपको क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साध रही है? देखिए मैं फिर कह दूंगा, सरकार एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे को ढकना चाहती है। कर्नाटक चुनाव की हार को छिपाने के लिए, बच्चों की गालियां सुनने से बचने के लिए विदेश भाग गया, और यहाँ का दलाल मीडिया इन बेटियों को ना दिखा के उसे वहां दिखा रहा। दलाल मीडिया से आपका क्या लेना? जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो वो दलाल मीडिया है। देश के अंदर मीडिया बची नहीं है। आज मीडिया को पता है, जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। जो पैसा देगा उसका दिखाएंगे। लेकिन कई ऐसे चैनल है जो ऐसा करते होंगे, हर चैनल ऐसा नहीं। देखिए मैं तो टीवी पे जितने का पता, 35-40 अडानी के, 35-40 अंबानी के, दो चार बचे होंगे सुभाष चंद्रा के, चैनल है कहाँ? है कहाँ? एक भी चैनल मुझे तो लगता नहीं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया इस पे चुपता नजर आ रहा है, पहलवानों की आवाज क्या मीडिया नहीं उठा रहा? मीडिया तो दिखा नहीं रहा, लेकिन किसान आंदोलन भी हम सोशल मीडिया से जीत के आए थे, और इस आंदोलन को भी सोशल मीडिया से जीतेंगे। देश के हर बच्चे से मेरा अनुरोध है कि हमारे पास आईटी सेल नहीं है, बीजेपी के पास आईटी सेल बहुत मजबूत है, तो देश का हर बेटा, किसान का हो मजदूर का हो, आईटी सेल बन जाओ अपने पहलवानों के, और जो ये जवाब दे उसका जवाब दो खुल के, कोई डरने की जरूरत नहीं, हम लोग खड़े हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि पहलवानों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? क्योंकि 2024 का चुनाव हम नजदीक है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी टारगेट हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर बीजेपी टारगेट नहीं होना चाहती तो वो शायद इन पहलवानों का। अच्छा, अगर चुनाव होंगे तो बेटियों को न्याय मिलेगा, और अगर चुनाव नहीं होंगे तो बेटियों की इज्जत ऐसे ही लूटेगी? इस पर आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको? इस देश में हर महीने चुनाव कराओ ताकि कम से कम बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। तो अगर बेटियों की सुरक्षा, क्या आपको लगता है सिर्फ चुनावी मुद्दा है? जब चुनाव आएंगे तभी ना, मैं तो नहीं, मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या पहलवानों के समर्थन में अब सरकार कोई फैसला लेगी? देखिए अब मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ कि वो क्या फैसला लेगी, पर इतना जरूर है कि बेटियों ने जो मांग की है वो इसी जंतर मंतर से पूरी करा करके ही घर जाएंगे। अगर एक साल लग गया ये पूरी मांग, 13 महीने का सर्टिफिकेट तो हम पे है, अब इसे सरकार 14 का करे, 15 का करे, 8 का करे। तो आपको अपने आप पर डाउट है कि आप नहीं जीत पाएंगे क्या? 13 महीने तक आप इस आंदोलन, कह रहा हूँ 13 महीने का आंदोलन का सर्टिफिकेट है हमारे पास, जिसे हम जीत के गए थे किसान आंदोलन को। तो अब सरकार की जिम्मेवारी है कि इसे हमें 5 महीने में जितावे, 2 महीने में जितावे, 7 में जितावे, 10 में जितावे, 15 में जितावे, 17 महीने में जितावे। ये सरकार की जिम्मेवारी कि हमारा वो सर्टिफिकेट बड़ा रहेगा या वो छोटा हो जाएगा, ये सरकार देखेगी। इससे पहले भी पहलवानों के समर्थन में कई विपक्षी नेता सामने आए हैं, तो इससे क्या कुछ आपके समर्थन में और आपके आंदोलन में फर्क पहुंचा? देखिए विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनका काम क्या है? जनता की आवाज उठाना, सरकार के नकेल डालना, यही तो है। 2014 से पहले ये भी तो कर रहे थे, ये भी यही काम कर रहे थे। जब 2014 से पहले ये जो आज सत्ता में बैठे, इन्हें कांग्रेस कहती थी कि राजनीति कर रहे, आज ये इन्हें कह रहे, तो ये तो इन नेताओं का काम है। हाल फिलहाल सचिन पायलट आए थे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? अरे सब आते हैं, जो नेता आता वो कहता हाँ बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं, और क्या कहेंगे? इसके अलावा कोई समर्थन की मांग नहीं? समर्थन क्या होता है इससे बड़ा समर्थन? तो इस पर कुछ सरकार पे कोई प्रेशर किस तरीके से बनाया जा रहा है समर्थन के अलावा भी? पूरा देश, मैं आज फिर कह रहा हूँ, सरकार हिंसा कराना चाहेगी आंदोलन में। आप लोग कोई भी जो इस माध्यम से सुन रहे हो, कोई व्यक्ति हाथ ना उठावे, कोई हिंसा ना करे, कोई असामाजिक तत्व आता है उसे चुपचाप पकड़े, पुलिस को दे दो। ये जितनी शांति से ये आंदोलन चलता रहेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर सरकार पे बनता चला जाएगा, क्योंकि आंदोलन शांति से जीते जाते हैं, हिंसा से नहीं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहलवानों के प्रदर्शन को एक महीना हो चुका है, अभी तक कोई कानूनन कार्रवाई नहीं की गई, क्यों? हाँ ऑब्वियसली भाजपा के अंदर जो भी आंदोलन हुआ है, भाजपा सरकार का मतलब ही है, गूंगा बहरा बहरी सरकार है ये,
और ये सरकार का वन मोर वन एजेंडा है। अपने संगठन को कैसे मजबूत करो, अपने विधायकों को मजबूत करो, दूसरे के विधायकों को खरीदो सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा, आईटी द्वारा, और इनको देश के माइनॉरिटी से, देश के ओबेसी को, देश के माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। देश में बेटियां मर रही है तो मरने दो, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, लोग भूखे हैं तो भूखा रहने दो, लेकिन इस सरकार को बीजेपी तो पूरे एजेंडे के साथ चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद जब पहलवान, जो महिला पहलवान है उनके साथ ऐसा यौन शोषण होता है, तो उसके बाद क्यों आपको लगता है कि बीजेपी सरकार अभी चुप बैठी हुई है? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो ब्रजभूषण सिंह जो है भाजपा के सांसद है, इसलिए पहली चीज। दूसरी चीज, ये मनमोहन सिंह पर टिप्पणी करते थे जब सरकार में नहीं थे, जब इनको बुखलाहट थी, जब इनके पेट में दांत था, तो जब ये बोलते थे कि अरे मनमोहन सिंह बोलते नहीं है, मन के मोहन है, वो बोलते ही नहीं है, हमारा देश का मान सम्मान घट रहा है। अब मोदी जी को गूंगे हो गए क्या मोदी जी, या बहरे हो गए हैं मोदी जी, या आंख उनका फूट गया, अंधा हो गया है मोदी जी, या हराम का खाखा कर, भ्रष्टाचार कर करके खाखा करके आप अंधे हो गए हो क्या? आपको नहीं दिख रहा है जो सांसद के 1 किलोमीटर दूरी पर आपकी बेटियां बैठी हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम करती है? तो मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया द्वारा, और ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, और ये सरकार को कोई मतलब नहीं है कि लोग मर रहे हैं, इतनी 300 बेटियां पड़ी हुई है, ये रोड पर है, क्या हाल में है, क्या खा रही है, इनका नुकसान हो रहा है, इनका खेल नुकसान हो रहा है, इनका एक्टिविटी नुकसान हो रहा है। इस सरकार को कोई मतलब ही नहीं है इससे, इसको अपने आप से मतलब है। हम रोज 5-5 कपड़ा पहने, हम अच्छा अच्छा खाए, देश विदेशों में घूमे, यही मतलब है इसको। पहलवानों के प्रदर्शन को 1 महीना हो चुका है, इसके बाद भी अभी तक उनकी इंसाफ की गुहार जारी है। देखिए मैम, आज 31 दिन हो गए और बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल हमारी जो सरकार है ये बिल्कुल मौन हुई हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाने के लिए तो टाइम है, और एक शब्द या एक ट्वीट करने के लिए इन बेटियों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वैसे तो आप कहते हैं कि हम उनके पिता की बराबर हैं, वो हमारी बेटियां हैं, हम उनकी बाप की बराबर हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं आप बेटियों की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बीजेपी एक एजेंडा लेके चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर क्या आपको इस मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं दूर दूर तक दिखाई दे? देखिए मैम, ये खाली एक पंक्ति बनकर रह गई है जो कि सिर्फ वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं मैं तो अब पूरा प्रूफ हो गया है कि खाली वो राजनीति के लिए ही कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आप ये लगा लीजिए, अब ये नौबत आ गई है कि इनके ही नेता और इनके ही विधायक और इनके ही सांसदों से बेटी को बचाना पड़ रहा है, तो ये हमारा देश, इससे बड़ा और देश का क्या दुर्भाग्य होगा। तो जिस तरीके से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि अब जंतर मंतर से सीधे इंडिया गेट की ओर अब ये पहलवान तिरंगा हाथ में लिए रवाना होने वाले हैं। इसी के साथ हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका नाम? चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाप। जिस तरीके से पहलवानों के प्रदर्शन को 1 महीना हो चुका है, अभी तक पहलवान महिलाओं को अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसको लेकर क्या? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और 1 महीने से देश का गौरव, देश की बेटियां सड़कों पर बैठी है। सरकार संज्ञान लेने की बजाय उल्टा ब्रजभूषण को संरक्षण देने का काम कर रही है, देश की जनता देख रही है और उनको जवाब देगी। बीजेपी के नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो क्या अब मोदी ब्रजभूषण शरण सिंह को डिफेंड कर रहे हैं? लगता ऐसा ही है, क्योंकि खुद ब्रजभूषण सिंह ने बयान दिया कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो इससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार संरक्षण देने का काम ब्रजभूषण सिंह को कर रही है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसके बाद क्या लगता है आपको कि एंड टाइम पर सरकार पलट जाएगी, पहलवानों के पक्ष में फैसला आ जाएगा? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश की आत्मा का मुद्दा है, देश के 70 करोड़ महिलाओं का मुद्दा है, तो इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए भाजपा की तरफ से। और जिस तरीके से देखा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे बीजेपी सरकार करती है, उसके बाद जब जमीनी हकीकत की हम बात करें तो ये तस्वीरें सामने, ये कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के नारे दिए गए वो खोखले नजर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से देश का गौरव, देश की बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बनाई, वो सड़कों पे बैठी है, तो आज क्या सरकार को दिखाई नहीं देती है बेटियां कहाँ बैठी है अपने न्याय की गुहार लेकर? तो इसी के साथ अब आपको क्या लगता है कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, कब इस पर सरकार फैसला सुनाएगी?
वो तो सरकार को सोचना, लेकिन हम तैयार हैं, जहाँ तक भी सरकार जाना चाहे इस लड़ाई को लेके जाएंगे और इन बच्चियों को न्याय दिलाएंगे। तो जिस तरीके से हम आपको लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पहलवानों के प्रदर्शन अभी भी जारी है और यहाँ से जंतर मंतर से इंडिया गेट की ओर अब ये पहलवान जो है वो रवाना होने वाले हैं और हम आपको तमाम तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा हाथ में लिए ऊँचे ऊँचे स्तर पर अब यहाँ पर और भी हमारे किसान नेता मौजूद हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह रुमनाना पहलवान, जिला झज्जर जी। बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं को प्रदर्शन करते हुए एक महीना हो चुका है, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है महिला खिलाड़ियों को, तो आम महिलाओं का इस वक्त जमीनी हकीकत पे क्या हाल हो? बात सुनो, ये बसों में लिखते हैं महिला पढ़ाओ महिला बचाओ, और ये हाल है ओलंपिक प्लेयरों का। तो ये ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कब तक चलेगी, अंत आएगा। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूल से। सच्चाई की हाँ बिल्कुल होगी। तो जिस तरीके से अभी महिलाएं खिलाड़ी जो हैं वो लगातार पॉस्को एक्ट के तहत केस लड़ रही हैं अपना, और उसके बाद अगर हम तस्वीरें देखें तो ये नज़र आती हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों के ऊपर क्या कुछ इस चीज़ का असर पड़ा? अभी ये मामला नहीं होगा तो आगे जाके हमको भी दिक्कत आएगी, अब हमारे सीनियर इतने परेशान हो रहे हैं तो हम उनके लिए थोड़ा सो। पहलवानों के प्रदर्शन को एक महीना हो चुका है, अभी भी उनकी इंसाफ की गुहार लगातार जारी है, इस पर आप क्या? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये पहलवान यहाँ डटे रहेंगे, और सरकार को जल्द से जल्द इंसाफ और न्याय देना चाहिए, क्योंकि देश की बेटियों की बात है, देश की बहनों की बात है, और सरकार को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। सरकार ने तो एक महीना भी क्यों बिठाया? ये सरकार की एक नालायक पंक्ति है जो सरकार एक महीना बिठा रही है यहाँ पर पहलवानों को, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का गौरव ऊंचा कर रहे हैं, आप उनको एक एक महीने सड़कों पर बिठा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पर नार्को टेस्ट के लिए जिस तरीके से पहलवान तैयार है, बृजभूषण चरण सिंह भी तैयार है, तो देरी किस चीज में आपको नजर आ? अरे ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कहाँ हो जाता है? नार्को टेस्ट क्या कहीं पे भी हो जाता है? हैं, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा, यहीं घर में बैठे बैठे नार्को टेस्ट हो जाएगा, इसका क्यों नहीं कराने के लिए चलते? और नार्को टेस्ट कोई भाजपा के अस्पताल में नहीं होगा, बीजेपी के हॉस्पिटल में नहीं होगा, लाइव रिपोर्ट आएगी सबके सामने, और जहां पहलवान जिस हॉस्पिटल को डिसाइड करेंगे उसके अंदर होगा नार्को टेस्ट, बीजेपी के कहने से नहीं हो जाएगा यहां पर नार्को टेस्ट। ऐसी रिपोर्टें, जाली रिपोर्टें 10 देखी हमने भी बनती हुई। इस कार्य में इतनी देरी आ रही है, इसके पीछे क्या बीजेपी का बहुत बड़ा कोई खेल है? अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता, ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह ब्रजभूषण खान होता, अब तक हो चुकी होती कार्रवाई। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा एक, आप ये समझे, आईपीसी के आचार सेक्शंस के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, इतनी उस पर संपत्ति, करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति है, खुद का हेलीकॉप्टर उड़ता है, खुद का चार्टर्ड प्लेन है उसके पास, 50 से 60 डिग्री कॉलेज है, कोई आम आदमी थोड़ी है वो। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि भैया मैं तो अपना मुंह चुपचाप बोलना ना पड़े, मैं जापान निकल जाऊं, वो जापान निकल गए। यहाँ देश की क्या स्थिति है? आप ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे इसको अखंड भारत बनाएंगे, हैं? आप इसको ऐसे बनाएंगे जो आप कहते हैं कि गौरवशील भारत बनेगा, ऐसे बनेगा ये? तो जिस तरीके से अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब कैंडल मार्च निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब ये जंतर मंतर से सीधे इंडिया गेट की ओर पदयात्रा करते हुए तिरंगा हाथ में लिए अब ये इंडिया गेट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक जाति वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे आपको, तमाम जाति वर्ग के लोग मिलेंगे, और ये विभिन्न लोगों की एक पदयात्रा कहेंगे जो सिर्फ इंसान इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये आप इनके बोर्ड भी देख सकते हैं जिसके थ्रू ये अब यहाँ से यात्रा लेकर निकल रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली ग्राम विकास पंचायत पहलवान बेटियों का समर्थन करती है, पहलवान बेटियों को, और इसी के साथ पुकार है कि लोकतंत्र और भ्रष्टाचार। तो इस पर आप क्या? मैडम, जो तानाशाही देश में चली है, लोकतंत्र का बिल्कुल खात्मा कर दिया बीजेपी सरकार ने, क्योंकि हर एक आदमी को, चाहे किसान हो, नौजवान हो, सरकारी कर्मचारी हो, सरपंच हो, कोई भी हो, बीजेपी ने लोकतंत्र की जगह लठतंत्र लेके आई है, जो सरपंचों को भी लठ मारते हैं, एमबीबीएस छात्रों को भी लठ मारते हैं, किसानों को भी लठ मारते हैं और खिलाड़ियों को भी लठ मारते हैं। हर एक चीज़ को, हर एक आंदोलन के सिर्फ अपने ताकत के, अपने बाहुबल के दम पे दबाना चाहते हैं और लोकतंत्र का अंत करना चाहते हैं, अपनी तानाशाही कायम है, जबकि और किसी अपोजिट पार्टी के विधायक खरीदने खरीद फरोख करके सरकारें घेरते हैं दूसरी स्टेटों में, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और जब वो पार्टी इनको समर्थन देती है तो उनको अपने में मिला लेते हैं, तब इनका भ्रष्टाचार के मुक्त भारत का नारा कहाँ जाता है। और जैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दो मंत्रियों को भीतर डाला, उसमें 2 दिन में कार्रवाई होगी, 2 दिन में तफ्तीश कर ली, 2 दिन में पकड़ के अंदर डाल दिए, और जबकि बृजभूषण के ऊपर और एक संदीप सिंह का खेल मंत्री हरियाणा से,
तो उनके ऊपर 6-6 महीने पहले हमारी बहन बेटियों ने इल्जाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, जबकि इनको आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं दर्ज करी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं करी गई, जबकि पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार का जो एक्ट लगाया है पॉक्सो एक्ट, इसमें अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी होती है और कम से कम भी 10 साल तो पहले जमानत को कोई मतलब ही नहीं पड़ता भाई, जमानत मिल जाए, इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे आज बैठे हुए 30 दिन हो गए, जिसके लिए हमको धरने देने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। अब हमारा कैंडल मार्च है, दिल्ली जंतर मंतर से हम इंडिया गेट पे जाएंगे और अपना कैंडल मार्च करेंगे अपनी बहन बेटी। तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन तो महिला खिलाड़ी कर रही है जो इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर चुकी है, गोल्ड मेडल ला चुकी है और गौरवान्वित कर चुकी है पूरे देश को, उसके बावजूद ये धरना प्रदर्शन करके इंसाफ की गुहार लगा रही है। और अगर आम लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसके साथ क्या हो? ब्रिजभूषण एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके ऊपर पहले 80 मुकदमे दर्ज हैं, फेसबुक पे अपने बयान देता रहता है, कहता रहता है मैंने मर्डर तो एक बार कर दिया था और मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ या 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं, अगर 15 रुपए मेडल मिलते हैं हम ब्रिजभूषण को चैलेंज करते हैं, एक मेडल लेकर दिखा दो। इसको पहलवान ने अपनी सारी जिंदगी इसमें लगा देता है, एक मेडल लेके आने में और देश को गौरव बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, जिस मेडल को आज 15 रुपए का बता रहे हैं वो पहलवानों के लिए अनमोल है। और जो पहलवान है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, हमारा पूरा देश अपनी बहन बेटियों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ है। तर मंतर से इंडिया गेट की ओर बढ़ चुके हैं और अब पद यात्रा करते हुए तिरंगा हाथ में लिया हुए अब वो सीधे इंडिया गेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 1 महीना हो चुका है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, सवाल मेरा भी सरकार से रहेगा कि अगर महिला पहलवानों के साथ ही ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आम महिलाओं का अब क्या कुछ होगा? अब ये फैसला जो आएगा वो सही होगा गलत होगा इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते। क्या पहलवान झूठ बोल रहे हैं, क्या ब्रिजभूषण चरण सिंह झूठ बोल रहे हैं, इसका भी हम निर्णय नहीं ले सकते जब तक अभी आने वाला वक्त नहीं बताएगा। लेकिन ये तमाम तरीके के सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि अभी तक कोई कानूनन कार्रवाई इस पर नहीं की गई है, FIR तक दर्ज नहीं की गई है, तो इसके बाद तमाम तरीके के सवाल आना अनिवार्य है। तो इसी के साथ जो हमने आपको यहाँ पर जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश की वो यही थी कि अब जंतर मंतर से सीधे इंडिया गेट की ओर अब पहलवान प्रदर्शन के लिए, कैंडल मार्च के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही और आपको तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निशी भाटिया।